लाहौर जाती उमरा अड्डा प्लाट के रिहायशी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जियाले, नई गवर्नमेंट बनने पर कारोबारी हालात दुरुस्त होने के दावे, सादा लो बुजुर्ग का अंदाज़े गुफ्तगू। आइए जानते हैं अनमोल खालिद की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनमोल खालिद और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि कारोबारी शख्सियत के साथ भी हमारी गुफ्तगू होती रहती है कि हमारे पाकिस्तान में क्या कारोबारी जो लोग हैं उनमें कोई खुशहाली आएगी या नहीं, कारोबार कैसा जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस शॉप के ओनर मोहम्मद हयात साहब मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर खाल मटे में चोकर का कारोबार किया जाता है जो कि जानवरों की खास खुराक होती है। आए इनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक जी। आप अपने काम के बारे में हमें ज़रा कुछ बताएं कि आपका कारोबार कैसा जा रहा है। काम मंदा ही है जी, कारोबार एडा कौन चलन दिया, अगों मियाँ साहब भी आ जाएंगे, कारोबार चलेगा और सानू भी खुशहाली मिलेगी। तो असी जो पहले तो दिन तो अड्डा प्लाट तो वोट मियाँ नू देने। कितने साल हो गया आप मियाँ को वोट देते हुए? मैं 40-45 साल हो गए। सानू कोई बेहतरी नहीं मिली, असी तो महंगाई के दब लगे आने। महंगाई जी सू अपना उतला नहीं उतला पत्थर नहीं आन दी, गैस का बिल, बत्ती का बिल, मकसद तेल महंगा, जिड़ी शह मतलब लेने परचून आले कोल चले जाइए तो चीनी नहीं सा तो अपना मकसद वो 150-200 से अपनी दाला ने वो 250-300 अपनिया ने, जी चीज़ मतलब अपना महंगाई वाले कोई ख्याल ही नहीं करता। ख्याल सारा ही अपना उतों ले लो, सड़क ले लो, गरीब बंदे ने खाना कितों? महंगाई के सिर से मतलब अपना महंगाई टूटे तो मतलब अपना गरीब बंदा खाएगा पीएगा, फिर इन्होंने ना लाएगा भी ठीक है मियाँ साहब नहीं आए। मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम हुआ ये फल वगैरह का काम करते हुए? ये सन 35 साल हो गया। जब आपने ये कारोबार स्टार्ट किया था तब आपकी एक बोरी कितने की थी? 200 रुपए की बोरी थी। 200 रुपए की बोरी थी, तो आप कितने की है? 35-4000। 4000 की। तब आप खुशहाल थे या अभी खुशहाल है? अभी नहीं हूँ, पहले खुशहाल थे। अभी नहीं खुशहाल। तब कारोबार ठीक जा रहा था? और बिल्कुल ठीक जा रहा था। अच्छा, आप 40 साल से नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, तभी आप कह रहे हैं मियाँ साहब आ गए हैं सीट पे, तो आप मियाँ साहब से क्या? अभी तो मानने मियाँ साहब हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए ये करने से यही महंगाई को महंगाई को थले ले आवे, खुश दुनिया गरीब आदमी खुशहाल हो, खुशहाल हो गए मतलब अपना कोई काम कर, मतलब अपना कोई लोग मतलब अपना खुशहाल हो गए, कोई महंगाई के सिर से ख्याल कर। और कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं बस ऐसा नहीं, महंगाई अपना टूटे, तेल टूटे, गैस का बिल तोड़न, अपना बिजली का बिल तोड़न, सानू यह चाहिए मतलब सहूलत मिलन, असी अपना खुशहाल हो। हूँ बिल देख लो किन्ने किन्ने आ गए, 20-25 हज़ार, 40-40 हज़ार बिल, वो कितों गरीब है, 20 हज़ार रुपया तनखा लेता पा, तो पंगा 40 बिल कितों तारेगा, वो घर के जीए दिन तो बेचेगा की करेगा? यह हिसाब है, असं कहने महंगाई तोड़ो, महंगाई जू लिया थले लोगी को गरीब आदमी खुशहाल हो, बस साढ़े को। जी नाज़रीन, आपने देखा कि नून लीग के बहुत पुराने जियाले जो 40 साल के नून लीग को वोट दे रहे हैं, मियाँ साहब के बड़े दीवाने हैं, उनका ये कहना है कि 35 साल से हम ये कारोबार कर रहे हैं जो कि खाल मडेवे चोकर का कारोबार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब हमने काम स्टार्ट किया था तब ये 200 की एक बोरी होती थी, तब हम खुशहाल थे। अभी ये 3500 की या 4000 की बोरी है, अब हम परेशान हैं, हमारा कोई कारोबार नहीं है। अगर ये लोग सीट में आए हैं तो हम यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ये लोग बेहतरी करें, महंगाई का खात्मा करें। महंगाई ने आम इंसान की जो कमर है वो तोड़ दी है, जीना दो बार कर दिया। इसी के साथ मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।